सीनियर शादी मुबारक में फाइनली रति अपनी गंदी हरकतों में कामयाब हो जाएगी। रति यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी सासू माँ प्रीति की बेइज्जती हो, यहाँ सब लोग उनकी बेइज्जती करें जो उन्हें पलकों पर बिठाए हैं, उनकी इतनी तारीफ हो रही है, जगह जगह उनकी बातें हो रही है, वो सब कुछ इस गाँव में ख़त्म हो जाए, पूरे गाँव वाले थू थू करें उसकी सासू माँ पर। यहाँ रति सारी साजिशें तो कर ही रही है और वो चाहती है केटी और प्रीति का रिश्ता दिखाना कि इनके बीच में नाजायज संबंध है। आज यहाँ देखेंगे सब लोग बहुत खुश होते हैं, शादी की जो तैयारियाँ चल रही हैं, प्रीति यहाँ पर एक एक बातों को ध्यान रखती है कि कहीं कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। यहाँ पर कुसुम जो है वो यहाँ केटी को बताती है कि प्रीति को खाने में क्या पसंद है, जो रबड़ी बनती है उस रबड़ी बनने के बाद कढ़ाइया में जो कढ़ाई होती है उसमें जो लगा होता है उसको करो करो के जो खाते हैं वो प्रीति को बहुत पसंद है। ऐसे में केटी सोचता है कि वो प्रीति के लिए ज़रूर करेगा, उसे जो पसंद है वो उसको खाने के लिए ज़रूर लाएगा। यहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं, बुआ सा फुफा सा को स्टेज पे बिठाया जाता है, उनके सम्मान में सब लोग डांस करते हैं अलग अलग गाने पे, और यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है। ये लाइट जो है ये सब कुछ किया धरा है रति का। प्रीति यहाँ आज के फंक्शन में एक नथ पहनी होती है और अचानक से वो नथ डांस करते समय गिर जाती है, तो रति उस नथ को अपने पास रख लेती है और जैसे ही लाइट जाती है सब लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे में प्रीति कहती है मैं देखती हूँ। वो लाइट के पास जाती है लाइट देखने के लिए, वहाँ पर केटी भी आते हैं और वो वहाँ पर वो मीठी चीज़ लेके आते हैं जो प्रीति को पसंद है। यहाँ पर लाइट जाते समय रति केटी के कॉलर में वो नथ लगा देती है। यहाँ जैसे ही लाइट वापस आती है, प्रीति वापस आती है यहाँ पे, उसे लगता है कहीं कोई इन दोनों को अकेले साथ में ना देख ले। यहाँ पर जैसे ही प्रीति आती है उसकी नाक में नथ नहीं होती और रति यहाँ पर सबके सामने पूछती है मम्मी जी आपकी नथ कहाँ गई, और वो नथ सबको नज़र आती है केटी के कॉलर पर। यहाँ पर ये दिखाना चाहती है रति कि जैसे ही अंधेरा हुआ था ये दोनों एक कोने में जाके काफ़ी क्लोज और इंटीमेट हुए थे। अब यहाँ पर बुआ सा करेंगी प्रीति से सवाल कि तेरी नथ अगर गायब हुई तो ठीक है, लेकिन वो केटी के कॉलर पे कैसे पहुँची। अब देखना ये है कि प्रीति क्या जवाब देती है, केटी क्या जवाब देते हैं और कुसुम इस सिचुएशन को कैसे संभालती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रति की ये गंदी हरकतें सचमुच प्रीति के सपने को बर्बाद कर देगी।